करोड़ लेकर फरार नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने वारंट जारी किया था, अरेस्ट वारंट, और आज उसकी गिरफ्तारी हो गई नीरव मोदी की। भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो पीएनबी घोटाला था, पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला, इसमें 13,000 करोड़ का घपला जो कि नीरव मोदी ने किया, इसका आरोपी, और उसे गिरफ्तार कर लिया है लंदन में। कुछ दिनों पहले लंदन में देखा भी गया था नीरव मोदी को, उसके बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट जो कि लंदन की बड़ी अदालत है, वहां से अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था नीरव मोदी के खिलाफ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला और इसका आरोपी नीरव मोदी गिरफ्तार कर लिया गया है लंदन में नीरव मोदी को। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। शिकंजा नीरव मोदी पर कसना शुरू हो चुका है और अब जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि भारत ने प्रत्यर्पण की भी अर्जी लंदन सरकार को की थी, और फिर जब वेस्टमिंस्टर कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिहाज से ये बड़ी खबर है, क्योंकि भारत लगातार इस बात का दबाव बना रहा था लंदन की सरकार को कि इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, और आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, जो आईटीवी ग्रुप के पास जानकारी है, उसके मुताबिक भगोड़ा नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही देर बाद जो है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि पीएनबी घोटाले मामले में वो आरोपी है और वो लंदन में अपना शरण लिए हुए था। तो एक साफ तौर पर सरकार के लिए एक कूटनीतिक, और अब राकेश प्रत्यर्पण की कवायद आगे बढ़ेगी, भारत सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिशें आगे बढ़ेगी। देखिए, भारत सरकार की दबाव जो है, दबाव के तहत ही इस कार्रवाई को देखा जा रहा है, और जिस तरह से भारत सरकार प्रत्यर्पण अब तेज किया जाएगा, क्योंकि जो सूत्रों की माने तो सरकार के जो खासतौर पर सीबीआई के अधिकारी और ईडी के अधिकारी जो हैं, लगातार संपर्क में हैं लंदन स्थित दूतावास से, तो ऐसे में उसकी प्रत्यर्पण की कार्रवाई तेज की जाएगी। ठीक है राकेश, सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, कब नीरव मोदी को देखा गया लंदन में और फिर ये पूरा मामला अदालत पहुंचा, वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने लंदन में कैसे अरेस्ट वारंट जारी किया, और उसके बाद ये दबाव कम आया भारत की तरफ से जो लगातार बनाया गया लंदन सरकार पर कि नीरव मोदी जो कि भारत का है, भारत से भागा हुआ है, भगोड़ा है, 13,000 करोड़ का घोटाला किया है इसने पंजाब नेशनल बैंक का, और वो लंदन में रह रहा है, आलिशान जिंदगी बिता रहा है। ये पूरी सिलसिलेवार जानना चाहेंगे इसकी टाइमलाइन और अब आगे क्या। देखिए, नीरव मोदी पीएनबी घोटाले मामले में मुख्य आरोपी है, और उसने घोटाला करने के बाद वो भारत छोड़ चुका था और भारत से भाग गया था, और उसके पीछे एजेंसियां लगी हुई थी। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि वो लंदन में उसको देखा गया था, और उसके बाद जो है लगातार खासतौर पर जो सीबीआई और ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए थे, और जो विदेश मंत्रालय ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में था, और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो कुछ दिन पहले जब लंदन में घूमते हुए तस्वीरें उसकी सामने आई थी और उससे कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन ये मामला कोर्ट में गया था, होमलैंड सिक्योरिटी के पास गया था, और एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ जीत तो तब सरकार की ज्यादा मानी जाएगी कि जब इसका प्रत्यर्पण जो है वो भारत हो जाए लंदन से। इस पूरी प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ेगी भारत सरकार? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही प्रत्यर्पण करने को लेकर भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है, भारत जो सूत्र बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, तो आने वाले समय में कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है एक पहला कदम के तौर पर देखा जा रहा है, उसके बाद प्रत्यर्पण की कार्रवाई भारत सरकार लगातार
ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय पर जो है संपर्क में है और उस पर दबाव बनाया जाएगा ताकि जो है नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सके। तो ये बड़ी जानकारी राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमें दे रहे हैं। नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो जानकारी मिल रही है 3:30 बजे वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा नीरव मोदी को। उसके खिलाफ ये बड़ा मामला जो कि भारत से भागा हुआ है, भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में आलीशान जिंदगी बिता रहा था, कुछ दिन पहले उसे लंदन में देखा गया। ये मामला आगे बढ़ा और भारत सरकार की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाने की कोशिश थी कि नीरव मोदी को भारत को सौंपा जाना चाहिए और उसका प्रत्यर्पण होना चाहिए। इस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन जो घोटाला किया है उसने, एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, 13,000 करोड़ का आरोपी है, इस घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सापरा साहब, आप तो लगातार विपक्ष लगातार हमलावर था कि नीरव मोदी भाग गया, देश से भाग गया इतना बड़ा घपला करके, और अब देखिए भारत सरकार का जो दबाव है वो काम आया है, वहां गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी होगी और संभवतः प्रत्यर्पण भी जल्दी हो जाए। देखिए ये तो बात सच ही है और सच रहेगी कि नीरव मोदी देश का 13,000 करोड़ रुपया लेकर के भागा है। अब ये अच्छी बात है अगर उसको अरेस्ट किया गया वहां पर, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया कब पूरी होगी और उसको भारत कब लाया जाएगा और वो 13,000 करोड़ रुपया कब जनता का, लेकिन एक बड़ी कूटनीतिक जीत तो है, दबाव तो काम आया, आप मानते हैं? नहीं, वो ठीक है, दबाव काम में आया ये तो हम मान रहे हैं, वो तो मैं कह ही रहा हूं ना, ये अच्छी बात है, मैंने तो तारीफ करी है कि अच्छी बात है उसको अरेस्ट किया है, लेकिन सवाल ये है कि 13,000 करोड़ रुपया लेकर के जो भागा है वो आएगा, वो 13,000 करोड़ रुपया किस तरह से वसूला जाएगा और फिर वो किस तरह से वो टैक्स पेयर का पैसा वापस अपनी जगह पे आएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, जो आज हुआ है वो उचित हुआ, ठीक हुआ है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो कवायद थी प्रत्यर्पण की, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्या आसान होगा नीरव मोदी को भारत लाना, क्योंकि केस वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रहा है पहले से ही? ये तो सरकार और एजेंसियां जानती हैं कि किस तरह के उन्होंने सबूत दिए हैं या किस तरह के पेपर वो आगे कोर्ट में वहां पर लंदन में सबमिट करेंगे, वो कितनी मजबूती से रखते हैं या क्या उनके पास में प्रूफ्स हैं वो सरकार को पता है। बिना उन प्रूफ्स को जाने या उन पेपर्स को पढ़े मेरा उसमें कोई भाष्य करना वो उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार ने जल्द से जल्द नीरव मोदी को लाना चाहिए और केवल नीरव मोदी ही क्यों, मेहुल चौकसी को भी लाना चाहिए, जतिन मेहता को भी लाना चाहिए, मल्ल्या को भी लाना चाहिए, ललित मोदी को भी लाना चाहिए, ये तमाम सारे लोग जो भगोड़े बन गए हैं, जो 1,00,000 करोड़ रुपया भारत देश की जनता का पैसा लेकर के दौड़ गए हैं, ये सभी को वापस लाना चाहिए। ठीक है, चरण सिंह सप्रा, आप क्या कहेंगे यहां पर कि ये जिस तरह से विपक्ष, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता लगातार हमलावर थे, राहुल गांधी लगातार रैलियों में इस बात को बोलते रहे हैं कि नीरव मोदी भगोड़ा रहा, वो इस तरह घोटाला करके भारत से भाग गया और सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया, तो अब ये जो कदम उठाया गया है और लंदन की जो सरकार ने इस तरह से दबाव के आगे ये नतीजा ये निकला कि जो कोर्ट में अब पेशी होने वाली है आज 3:30 बजे, तो आपको लगता है जांच एजेंसियों के पास जिस तरह से दलीलें दी जा रही थी सरकार की तरफ से, ये पूरे पुख्ता सबूत हैं इसके खिलाफ और वो प्रत्यर्पण के लिए मजबूत साबित होंगे? देखिए, चोर नीरव मोदी जिसके साथ में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री दावोस में फोटो खिंचाते हैं, अब उनके खिलाफ कितने मजबूत सबूत ये दे रहे हैं ये तो एजेंसियां जानती हैं या सरकार जानती है। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई जिनके साथ आपने फोटो खिंचाई है और जो 13,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया है उसको जल्द से जल्द भारत लाइए, देश की जनता उसका इंतजार करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी प्रतिक्रिया जो आपने रिएक्शन दिया इस पूरे खबर पर। नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई है लंदन से, इस वक्त की बड़ी खबर है और कोर्ट में पेशी भी होने वाली है 3:30 बजे वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में, और जो भारत सरकार की तरफ से जो दबाव बनाने की कोशिश हुई थी ये बड़ी कूटनीतिक जीत तो है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रत्यर्पण उसका कब होता है ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि नीरव मोदी कौन है ये लगातार हम आपको बताते हैं। मौजूदा जो उसकी नेटवर्थ है वो 11,500 करोड़ की है और ऐसी जानकारी मिली थी कि लंदन में भी उसने कुछ दिन पहले जब लंदन में देखा गया था, एक आलीशान जिंदगी जी रहा है नीरव मोदी, उसने एक छोटी सी कंपनी भी, डायमंड कंपनी भी खोली हुई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। यहां पर भी नीरव मोदी की बड़ी डायमंड कंपनी थी, देश विदेश में कई बड़े स्टोर्स भी हैं नीरव मोदी के और उनके नाम से ही स्टोर चलते हैं नीरव मोदी के।
जब ये मामला सामने आया था पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का, 13,500 करोड़ तक का ये घोटाला हुआ और उसके बाद नीरव मोदी और उसका जो चाचा है मेहुल चौकसी वो दोनों विदेश चले गए और ये भारत की अदालत में इस बात की दलीलें रखी गई कि नीरव मोदी को वापस लाने के लिए भारत में केस चलाने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो पहल की गई वो लंदन सरकार से बातचीत हुई, इस पूरे मामले पर केस आगे बढ़ा, नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी लंदन में हुई है। अब वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में कल भी पेशी थी और आज जब वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में पेशी होगी तो उस पर आरोप तय किए जाएंगे। इसके अलावा भारत की तरफ से जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, फेमा के तहत मामला दर्ज हुआ था नीरव मोदी के खिलाफ, चाहे वो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो भारत की तरफ से, वो इस बात की ताक पर लगी हुई थी कि नीरव मोदी किसी भी तरह से भारत प्रत्यर्पित हो और भारत में उस पर केस चले। अब ये जो केस वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पहुंचा है उसकी पेशी होने वाली है 3:30 बजे और देखना होगा कि क्या कुछ आगे कवायद आगे बढ़ती है, क्या कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ती है, क्योंकि भारत की पूरी तरह से कोशिश है कि इसे एक्सट्रेडिट किया जाए, इसे प्रत्यर्पित किया जाए नीरव मोदी को और जो पूरा केस है इसके घोटाला करने का वो पूरा केस भारत में चले। लेकिन ये कूटनीतिक जीत के साथ अब देखना होगा कि प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। इस बीच हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं नीरव मोदी कौन है, उसकी जो दूसरी डायमंड कंपनी है वो दूसरी डायमंड कंपनी उसने खोली अपने नाम से ही और ये छोटी कंपनी बताई जाती है, वो भी लंदन में ही उसने खोली। आप समझिए जब यहां घोटाला करके गया नीरव मोदी तो लंदन में जाकर दूसरी डायमंड कंपनी नीरव मोदी ने खोल दी। शिकंजा कसना शुरू हो चुका है नीरव मोदी पर, वारंट जारी किया था कोर्ट की तरफ से, वेस्टमिंस्टर कोर्ट की तरफ से वारंट जारी हुआ था और आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। लंदन सरकार ने इस पूरे मामले पर तत्परता दिखाई है और भारत सरकार का सहयोग किया है इस पूरे मामले पर, एक तरह से भारत सरकार की कूटनीतिक जीत हुई है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। में ईडी की रिक्वेस्ट के बाद इसे गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है, जो पेशी है, वो वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई जिसके तहत अरेस्ट वारंट जारी हुआ था और ऐसी जानकारी मिल रही थी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसके तहत आज गिरफ्तारी हुई है और आज ही कोर्ट में पेश किया जाना है नीरव मोदी को। हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट स्कंद तयाल साहब जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर। स्कंद तयाल साहब शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन ये आपसे सबसे पहला सवाल रहेगा कि इस पूरे मामले पर जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई है वो अब किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई में समय लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विजय माल्या के केस में वो 1.5 साल से वो कार्रवाई चल रही है और उनको सजा प्रत्यर्पण का निर्णय भी हुआ है पर उसमें भी अपील होगी। तो अभी तो नीरव मोदी का ये बिल्कुल पहला स्टेप है उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई में। पिछली फरवरी मतलब 2018 में उनका हमने पासपोर्ट भी गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया था और तब से रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने उनके खिलाफ इशू किया हुआ है। पहले खबर थी कि वो हांगकांग में है, कभी कभी खबर थी कि दुबई में है, पर फिर ये खबर अगस्त सितंबर से आ गई थी पक्की कि वो अब यूके में है और पीछे आप लोगों ने मीडिया ने सब बताया था कि कुछ उन्होंने बिजनेस भी शुरू कर दिया है वहां। तो आज जो उनका अरेस्ट हुआ है इसका मतलब कि हमारी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की और इंटरपोल के थ्रू जो भी उनको सूचना और सब दिया गया है जो यूके की गवर्नमेंट को, तो कोर्ट ने उसको वाजिब समझा है और इसलिए उसका और अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको। तो अरेस्ट वारंट अब इशू हो गया, मेरे ख्याल से बेल तो उनका सिस्टम ब्रिटेन का ऐसा है कि बेल तो उनको हो जाएगी, पर बेल में मैं समझता हूँ कि ये कंडीशन जरूर लगेगी कि वो इंग्लैंड या यूके छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं और है। उसके बाद एक एक्सट्रेडिशन कोर्ट पे उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो चलेंगी, उसमें कुछ महीने लगेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पर मैं समझता हूँ कि शिकंजा आप धीरे धीरे कस रहा है। आप मानते हैं तायल साहब यहाँ पर जीत है, कूटनीतिक जीत है भारत सरकार की और अब अगर दबाव बढ़ाया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को और आसान भी बनाया जा सकता है, तो रफ्तार से प्रक्रिया सामने आ सकती है?
हाँ रफ्तार से बिल्कुल आ सकती है। और कूटनीतिक दबाव से ऐसा होता है कि हर स्टेज पर वहां पे एक तो कोर्ट में केस जाता है और गवर्नमेंट ऑफ यूके को भी बात कह रहा एक परमिशन देनी होती है एक्सटेडिशन की, जैसा कि विजय मल्या के केस में भी था कि उनके होम सेक्रेटरी ने एक परमिशन दी थी जी कि हाँ ये केस ठीक है और इसमें एक्सटेडिशन होना चाहिए और फिर कोर्ट में मामला जाता है। मैं समझता हूँ कि कूटनीतिक दबाव से इंग्लैंड की गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी होगी और जहां तक संभव है उनके कोर्ट्स में भी कार्रवाई जल्दी होगी, पर शिकंजा जरूर नहीं, कोर्ट में तो पेशी होनी है। तायल साहब कोर्ट में पेशी होनी है, मैं यही सवाल अगला आपसे पूछने वाली थी, इस पेशी में क्या कुछ हो सकता है? दलीलें जो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी तरफ से दलीलें दी जाएंगी कि नीरव मोदी के खिलाफ आरोप क्या क्या है और क्या क्या मामला है उनके खिलाफ? बिल्कुल उसमें दलीलें दी जाएंगी और नीरव मोदी की तरफ से कहा जाएगा कि कोई भी खिलाफ कोई भी केस नहीं है और उनको हैरेस किया जा रहा है। पर मैं समझता हूं कि केस में एक बहुत दम है और जिस तरह का दबाव और वातावरण है और उसमें इंग्लैंड का कोर्ट बेल तो दे देगा पर आगे की कार्रवाई एक्सटेडिशन की हो उसके लिए अलग कार्रवाई कुछ होगी, उस पर वो अपना निर्णय। और आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे समय कितना लग जाता है प्रत्यर्पण की कार्रवाई में? इसमें टोटल समय 1.5-2 साल लग सकता है। 1.5 से 2 साल जी, लेकिन इसे इस अपील्स प्रोसेस पूरा कोर्ट पहले एक एक्सटेडिशन कोर्ट में पूरी कार्रवाई होगी और उसमें दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी, फिर एक्सटेडिशन कोर्ट जो फैसला देता है वो यूके की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, जो उनके होम सेक्रेटरी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे जैसे हमारे होम मिनिस्टर करते हैं, और उसके बाद भी एक अपील का स्कोप होता है ठीक है जो कि फ्यूजिटिव अपील कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि 1.5-1.5 साल तो बहुत ही आसानी से लग सकता है, पर धीरे धीरे कार्रवाई अगर उस रास्ते पर हो रही है तो इनका बचना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्कंद तायल साहब हमसे जुड़ने के लिए, पूर्व डिप्लोमेट जिन्होंने बहुत ही आसान भाषा में हमें समझा दिया कि ये जो प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया है उसको कितना समय लगेगा और क्या कुछ दलीलें अब दी जाएंगी। भारत सरकार की तरफ से ये दबाव बनाने की तो पूरी कोशिश थी लंदन सरकार को, लेकिन ये बहुत अहम होगा देखना कि किस तरह से इस पूरे मामले पर भारत सरकार की कार्रवाई सामने आती है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ सीनियर एडिटर जुड़ चुके हैं। राकेश, इस पूरे मामले पर अब कोई क्या अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार की तरफ से? देखिए सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं खासकर फाइनेंस से जुड़े हुए, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकार लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी और उसी का नतीजा है कि ये नीरव मोदी की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से देखा था कि वेस्ट मिनिस्टर की ओर से कोर्ट की ओर से जो वारंट जारी किया गया था और जारी किया गया था जिसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है, अब पीएनबी घोटाले का जो मास्टरमाइंड है नीरव मोदी, अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि उसे बेल मिलती है या नहीं, क्योंकि जो प्रक्रिया है अधिकारी भी जो सुरक्षा खासतौर पर जो एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका भी ये मानना है कि लंबा समय लग। आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन राकेश कुमार सिंह ये साफ तौर पर ये बता रहे थे कि